वो 3 आवर्स 20 मिनट्स का है। तो आप ये मत सोचो कि हाँ आपका पेपर जो है वो पूरा 3 आवर्स 20 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अप्रोच करना है। और गाइज, एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले आप कुछ मत पढ़ो। हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम प्रेरणा मिश्रा। सो गाइस, अभी आप जानते ही हो कि नीट कितना पास आ गया है, 17 जुलाई को ही है। तो अब लास्ट डे प्रिपरेशंस क्या होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, सो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो। एंड गाइज, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिलो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज, हम सब जानते हैं कि अभी नीट बहुत पास आ गया, और आप लोग, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होंगे कि क्या करें, कैसे होगा, क्या रिजल्ट आएगा, कैसे जाएगा एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी, मुझे पता है। बट गाइज, मैं बस आपको यही बोलूँगी कि आप शांत रहो, रिलैक्स। देखो, आपने इतनी मेहनत की है और वो सारी रंग लाएगी, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा ही होगा। बस गाइज, आप ये फोकस करो कि आपको अब जितने भी दिन आपके बच्चे हो उसमें आपको 10 to 12 hours, या फिर अगर आप पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो 10 to 12 hours, ओके। अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो या प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हो, तो आप 13 to 14 hours पर डे स्टडी करने का आप रूटीन रखो, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ गाइज, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ट्रैक एंड शेड्यूल करो अपने जो भी आपके दिन है उसको आप ट्रैक करो, शेड्यूल करो। पहले ही दिन, एक दिन पहले आप पूरा शेड्यूल बनाओ कि हाँ आप नेक्स्ट डे क्या करोगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे, सारी ये चीज़ आप एक दिन पहले ही कर लो रात को। और फिर उसके बाद अगले दिन आप ट्रैक करो कि हाँ आपने ये चीज़ कंप्लीट कर ली, ये चीज़ कंप्लीट कर ली, ये सारे रह गए। आप ऐसे ऐसे ट्रैक करो अपने आप को, तो आप जब सारी चीज़ें एकम्प्लिश करते जाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, एंड कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आप में, एक एनर्जी बूस्ट होगी। सो गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि हम जो दिए हैं पेपर, तो उसमें हम लोग को क्या डिफ़िकल्टी आई थी, क्या मिस्टेक्स हमने की थी, वो सारी चीज़ें आप अवॉइड करो। तो सबसे पहली चीज़ तो गाइस कि जैसे अभी जो टाइम मिल रहा है हमें वो 3 आवर्स 20 मिनट्स का है, तो आप ये मत सोचो कि हाँ आपका पेपर जो है वो पूरा 3 आवर्स 20 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीच में, फ़ोटो लेने आते हैं, फिंगरप्रिंट, साइन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें इतना टाइम वेस्ट हो जाता है आपका कि 20 मिनट्स तो आप लेके चलो, 15 to 20 मिनट्स आपके ऐसे ही चले जाएंगे। तो आप 3 आवर्स का शेड्यूल रखो कि 3 आवर्स में आपको पेपर बनाना है, ठीक है। अब उसमें भी आप ऐसा टारगेट करो कि 2.5 आवर्स में आप पेपर ख़त्म करो, जिसमें 2.5 आवर्स में आप ऐसा कर लो कि जो भी आपको लाइक एक बार में देख के जो भी आंसर आपको समझ आ रहा है आप सबसे पहले वो सॉल्व कर लो, जो कन्फ्यूजन है आपको जिसमें थोड़ा थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो आंसर बन जाएगा, वो वाले क्वेश्चन फिर सॉल्व करो, और जो हार्ड है उसको लास्ट के हाफ एन आवर के लिए छोड़ दो, जो कि 3 आवर्स का ड्यूरेशन है उसके हाफ एन आवर्स में छोड़ दो। तो 2.5 में आपने इतना सारी चीज़ें कर ली। अब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है वो हाफ एन आवर में करो आप, जो भी आपके बच गए, और जो लास्ट के 20 मिनट्स हैं वो तो आपके यही सब चीज़ों में चले जाएंगे। तो इस तरह से आप करोगे तभी आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि 3 आवर 20 मिनट में करना है तो आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा, क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्ब करते आते रहते हैं, फिर आपको उतनी कॉन्सेंट्रेशन फिर देना है उस एग्ज़ाम पेपर में, तो इसलिए आप इस तरह से शेड्यूल करो। तो दूसरी चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है गाइस, वो ये है कि जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें एक्सेप्शन पूछा है या फिर पूछा है कि क्या नहीं है या ट्रू और फॉल्स है, ये सारी टाइप की चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देना है कि आपने सही मार्क किया कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि हाँ ये पूरी बात है, अब इसमें हमको बताना है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो हम नॉट को क्या कर देते हैं, कभी कभी हमारा ब्रेन उसको स्किप कर देता है जल्दी जल्दी में, एंड वी थिंक कि हाँ विच इज़ ट्रू, तो हम कोई भी मार्क कर देते हैं कि हाँ ये आंसर होगा, बट वहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इस तरह के मिस्टेक्स, हम सिली मिस्टेक्स क्या करते हैं एग्जाम में जब जाते हैं तो हो ही जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है।
सो गाइज अब हम बात करते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अप्रोच करना है. तो जैसे बायोलॉजी की बात करें तो ऑफकोर्स एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट. अभी आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फोकस करो आप. सेकेंडली जैसे कुछ चैप्टर्स हो गए, इकोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इस टाइप के चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इनका वेट ज़्यादा होता है, इनका वेटेज ज़्यादा होता है. जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको आप पहले करो. नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में भी जैसे अगर हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी आप एनसीईआरटी पे फोकस करो. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस हैं उसको आप ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है. नहीं तो आप नहीं भी कर रहे हो तो आप एटलीस्ट उनका देख लो कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनका किस तरह का रिएक्शन हो रहा है. तो इस तरह की चीज़ें, सारे रिएक्शंस आप देख लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, उसमें जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सारे चैप्टर्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा आप फोकस कर लो. पॉलीमर्स चैप्टर्स, ये सब चैप्टर्स क्या है, इनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप इन पे पहले फोकस करो. अब अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री में उतना कुछ है नहीं, मोस्टली फॉर्मूलाज वगैरह ही ज़्यादा है. तो आप फॉर्मूलाज एटलीस्ट सारे देख के रेडी रखो. वही फिजिक्स के लिए भी अप्लाई होता है. फिजिक्स में भी आप ज़्यादातर फॉर्मूलाज याद रखो तो आगे तो बन ही जाता है किसी तरह, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो. मोस्टली आपको फॉर्मूलाज याद रखने ज़रूरी है. और गाइस इतना करने के बाद आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए. उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें कौन कौन से फॉर्मूला लगे, कौन से रिएक्शंस हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स मेंशन किए गए हैं, वो सारी चीज़ों को आप रिकॉर्ड में रखो कि क्या क्या उसमें दिया गया, उन चीज़ों को भी पढ़ो. तो उससे क्या है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. दूसरी चीज़, आप जो भी प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, तो उसको एक्चुअल टाइम, मतलब मान लीजिए आपका जो भी एग्ज़ाम है, एक्चुअल एग्ज़ाम है नीट का, वो 9 बजे से जो भी 12-1 बजे तक है, तो आप उतने टाइम पे करो, ठीक है. ये नहीं कि कभी भी बैठ गए एग्ज़ाम देने, जो एक्चुअल टाइम है नीट एग्ज़ाम का उसी टाइम आप बैठो हर दिन, और उसी टाइम पे पेपर सॉल्व करो. और गाइस आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हो. कोई भी फॉर्मूला निकालना है आपको, वो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे. कोई भी टॉपिक समझना है वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा. तो यूट्यूब तो आपके लिए सबसे ईजी और सबसे कैची रिसोर्स है अभी, तो आप यूट्यूब का सबसे ज़्यादा यूज़ करो इन सारी चीज़ों में. और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप उन पे पहले फोकस करो. तो उससे क्या है, आपके स्कोरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे. जितना ज़्यादा आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छा कर लोगे, उतना आपके स्कोर्स भी अच्छे आएंगे. तो गाइस आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करो. जो होगा देखा जाएगा, बट आप जो है अभी तैयारी जो आप कर रहे हो वो पॉजिटिव माइंडसेट से करो, कॉन्फिडेंस में करो कि हाँ आप इतना मेहनत करो, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा. तो आप ऐसा सोच के करोगे तो एक्चुअली में आपकी जो तैयारी है वो अच्छी होगी, ठीक है. तो आपको पॉजिटिव रहना है, काम रहना है, रिलैक्स रहना है, थोड़ा शांत रह के पढ़ाई करनी. ये नहीं कि स्ट्रेस आउट होके सब इधर उधर कर दे, काम रहो और अच्छे से पढ़ाई करो. और गाइस एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले आप कुछ मत पढ़ो. यस गाइस, कुछ भी मत पढ़ो एग्ज़ाम के एक दिन पहले. आप अच्छे से खाना पीना करो, अच्छे से पानी वगैरह पियो, अपने आप को काम रखो, मेडिटेशन करो, ठीक है. ये नहीं कि हाँ एकदम मसालेदार खाना खा के पेट ख़राब कर लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है. अपने आप को अच्छे से जो भी अच्छी खाना खाना है, बहुत मसालेदार नहीं कि हाँ तबीयत ही खराब हो जाए या पेट ख़राब हो जाए एग्ज़ाम के दिन. तो नॉर्मल खाना खाओ, अच्छे से पानी पियो. ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी पी लो, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम पानी पीना है. नॉर्मल जितना आप पानी पीते हो, अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, अच्छे से सो. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले अच्छी नींद लो. ऐसा नहीं कि आधे नींद में जा रहे हो आप एग्ज़ाम देने, तो उसमें अगर पेपर अच्छा भी बनना होगा तो भी बिगड़ जाएगा. तो आप अच्छे से आराम करो, अच्छे से स्लीप लो, एंड देन एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट होके जाओ. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट हो सो कमेंट डाउन बिलो, और यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम. और आपको कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना. And guys, please don't forget to like, share and subscribe my channel, and also don't forget to hit the bell icon below to get all the notifications of my channel. So that's it, and see you in my next video, and all the best to you all. Aap log ka paper bahut acha jayega, bilkul tension mat lo. See you in my next video. Bye bye.